नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। अपने अपनाए हुए जीवों पर दया करके शब्द को प्रकट करने वाले, सूरत को खींचने वाले बलवान गुरु, साधना में आने वाले तमाम बाधाओं से बचाने वाले, आसानी से गुरु की दया प्राप्त करने के तरीके बताने वाले, भाव भक्ति भरने वाले, सतलोक निरंतर आने जाने वाले, जिनमें उस परम पिता परमात्मा की पूरी ताकत भरी हुई है, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, पल में कुछ का कुछ कर देने वाले समय के विलक्षण युग पुरुष, पूरे समर्थ संत सदगुरु बाबा मकान जी महाराज ने 5 अगस्त 2020 साय उज्जैन आश्रम में दीव अधिकृत यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव UKM पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि झूले की तरह से पुराने कर्म आते जाते और अपना प्रभाव जताते रहते हैं, लेकिन समर्थ गुरु एकदम से दया करके सूरत का खिंचाव करते हैं तो जीवात्मा बहुत तेजी से निकल जाती है, फिर वो रोकने वाले कर्म खत्म हो जाते हैं। समर्थ संत गुरु का दर्शन करना चाहिए, बड़ा लाभ मिलता है। कर्म कटते हैं, पहले जब यात्रा के साधन ज्यादा नहीं थे तब के लिए साल में एक बार कम से कम कंपल्सरी कर दिया गया, अब तो बहुत साधन हो गए। इतनी छूट दी कि गुरु दर्शन कराए हुए का दर्शन भाव से कर लो तो भी फायदा मिलेगा। सतपुरुष की दया जिनके ऊपर हो जाती है, संत गति को जो पा जाते हैं, सतलोक में आना जाना शुरू हो जाता है। उनको इतना पावर होता है कि वो अगर चाहे तो अपने विद्या गुरु घर में उनकी सेवा करने के लिए किसी को भी भाव सागर से पार कर सकते हैं। इतनी शक्ति उनमें आ जाती है। गुरु का दर्शन करना चाहिए, दर्शन से बड़ा लाभ मिलता है। जो पूरे संत होते हैं उनके दर्शन से कर्म करते हैं। आप समझो इतना तब कर्म कट गया, इतिहास बता रहा है, दर्शन करके गया। यानी आदमी संत का, पूरे संत का दर्शन करके गया और कौवा ने दर्शन किया, हंस बन गया। और दोबारा फिर जब दर्शन करके गया तो हंस से यानी समझो कि आदमी बन गया। तो आप ये समझो कि दर्शन का लाभ तो थे, तभी तो कहा कबीर साहब जैसे संत ने कहा कि भाई हो सके तो रोज करो, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, आप महीने में एक बार करो, 3 महीने में एक बार करो, 6 महीने में एक बार करो, नहीं तो साल में। तो कंपलसरी कर दिया, यानी समझो एकदम आवश्यक कर दिया। अब आगे समझो कि साधन सुविधा के अनुसार उस समय पर लोग पहुंच नहीं पाते थे, तब यह भी कह दिया संतों ने, छूट दिया कि हर कोई दर्शन नहीं कर सकता। तो जो दर्शन करके जाए उसी का दर्शन कर, भाव से भक्ति से उनको याद कर लो तो भी यानी समझो कि फायदा होता है। कर्म करते हैं, विचार भावनाएं बदलती हैं। तो तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए UFT लाइव TV।